अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है भाई। सुबह का टाइम है, अली और मैं आए हैं लंटर को पानी मारने। यहाँ लंटर को पानी मारने से अली बहुत ज़्यादा ना लंटर मजबूत हो जाता है, और अगर पानी नहीं मारेंगे ना लंटर यार फट भी सकता है। अक्सर भाई के लंटर भी फट जाते हैं, तो हम यार पानी मारने आए हैं। ये देखे, हमने ना बॉक्स बनाए हुए हैं अलहदा अलहदा जगह पर, ना पानी अंदर भर दिया है। मिस्त्री भाई ने कहा था दिन के 3 से 4 बार ना आप ना पानी भर देना। हमने इसमें भी भर दिया, इसमें भी भर दिया, यहाँ पर भी भर दिया। उस तरफ अली भर रहा था, उस तरफ अली अच्छे से भरो यार, थोड़ा सा भी ना सूखा रह गया ना फिर लंटर ख़राब हो जाएगा, फिर सेटअप सही से नहीं बनेगा यार। सेटअप कमज़ोर लंटर नहीं होना चाहिए ना, मजबूत लंटर होगा फिर सेटअप बनेगा। ठीक है, अच्छे से अभी दोस्तों अली और मैं पानी मार लें, उसके बाद सारे परिंदों को अली डाई डालते हैं। ठीक है, फटाफट से पानी मारो दोस्तों। पानी हर जगह पर हमने अच्छे से मार लिया। अब देखें हर जगह पानी पानी हो गया। अब दोस्तों घंटे तक ना फिर से हमें पानी मारना पड़ेगा, नहीं तो ये पानी फिर से सूख जाएगा और लंटर में यार दरारें भी आ सकती हैं। अब दोस्तों नीचे चलते हैं और पेट्स को डाइट डालते हैं। दोस्तों हमारी मुर्गियाँ सारी रात अपने नीचे गुजारते हैं, लेकिन सुबह के वक्त ये ऊपर आ जाती हैं अंडा देने के लिए। अली फटाफट से यार चेक कर लेते हैं, अगर अंडा आ गया तो ठीक, नहीं तो इनको नीचे ले चलो। राजू कल असीर मुर्गी ने अंडा भी नहीं दिया। क्यों यार? पता नहीं, जब से मुर्गा गया वो अंडा ही नहीं दिया। यार तुमने बताया था कल के हमारा असील मुर्गा चला गया टाइगर। यार चलो यार आज देखते हैं यार कहाँ है यार, अंडा नहीं दिया इसने। शोर कर रही थी, चलो देखते हैं। या अल्लाह अंडा पड़ा हो। वही बैठी है अली, आज बैठी है, आज तंग ना करो, छोड़ चुप कर, ये अंडा दे देगी जब बैठी होती है। अब ये थोड़ी देर तक शोर मचाना शुरू कर देगी, फिर इसको उठाना, इसको मुबारकबाद देकर इसको डाइट खिलाना। ठीक है, बाकी वो वाली मुर्गी को ले चलो आ जाओ। चलो ठीक है, बाकी दोस्तों हमारी असील मुर्गी के 7 अंडे हो गए हैं। आज अगर अंडा देती है तो इसके 8 अंडे हो जाएंगे, फिर शायद अली ये कुरक भी हो जाए। कूड़ा कूचे यार फिर सुकून होगा है अली। वैसे यार हमें टाइगर की जगह ली एक और मुर्गा भी लेकर आना पड़ेगा। जुम्मे के दिन अली गोदरी लगती है, मैं कहता हूँ गोदरी वाले दिन जाएंगे और सुकून से नया मुर्गा लेकर आएंगे। यार अभी ले आते, लेकिन अभी सेटिंग भी नहीं हुई, कुछ दिनों तक सेटिंग भी हो जाएगी। जुम्मा भी आ जाएगा, फार्म से भी पता करूंगा। हाँ जिस फार्म से, उसके उसे कहना कोई भी मुर्गा दे दो हमें गुजारे के लिए, हम अपनी असील मुर्गी के साथ छोड़ दें। यार उसके 2-3 दिन है, उसके साथ कोई मुर्गा होगा ना फिर शायद 10 अंडे दे दे, 10 बच्चे निकलेंगे। ठीक है चलो फटाफट से चलो यार, पेट्स को डाइट दो, काफी टाइम हो गया। हाँ वो मैंने उनको वो नीचे छोड़ दिया। चलो यार अब चलो सारों को डाइट डालो अच्छे से, बाकी जब भी डाइट खानी हो ना न्यू मुर्गी चलो नीचे आ जाना, रैबिट्स को भी ऊपर डाइट डालनी है। तरबूज दोस्तों नीचे वाले सारे पेट्स को हमने डाइट डाल दिया। ज़ॉम्बीज को अली ने इस केज से इस वाले केज के अंदर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अली वो वाला केज यार बहुत ज्यादा छोटा था। इधर देखें हमारे सारे ज़ॉम्बीज सुकून से यहाँ पर घूमते फिरे रहेंगे, जिस ज़ॉम्बीज थक जाएगा वो इधर आकर बैठ जाएगा। अली डाइट डाल है सारों को, शाबाश भाई डाइट खा लो। ये देखें दोस्तों ये जगह भी खुली है। राजू हाँ मैंने नहीं दी, तुमने तो दे दिया ना, मुबारकबाद। अली इनको मिठाई खिलाओ, ये वाली फटाफट से ये भी खिला दो, मीठा मुंह कराओ इनका। ये लो खाओ, चलो भाई शाबाश खा लो। बाकी दोस्तों हमारी बकरियां और मोस्टर बाहर गए हुए हैं घास खाने के लिए, उनके पास भी चलते हैं। अली हमारे पिजन के अंडों में से बच्चे नहीं निकले? अच्छा अच्छे अंडे थे, बच्चे नजर आ रहे थे अंदर से। अच्छा बड़े अच्छे अंडे हैं, तकरीबन कितने दिन हो गए होंगे? 4-3 दिन तक आ जाएंगे। अच्छा चलो भाई शाबाश, अच्छे से अंडों की फूल अच्छे खिलेंगे, अपने अंडों का पालन करते हैं। दोस्तों सारी चीजें उस तरफ को निकल गई हैं, बकरियां भी और हमारे मोस्टर भी। उल्ली उधर देखो वहां पर बिल्ली खड़ी है, वो देखे दोस्तों मोस्टर को कुछ ना कही, यार चलती चलो, मोस्टर को कुछ कह दिया फिर किसी चीज को देखी। अली कोई भट्टा वगैरह मारो इसको। नहीं यार, नहीं मारते। चलो यार छोड़ो इसको, बस डराओ यार किसी तरह से। आराम से देखो दोस्तों वहां पे खड़ी हुई है, आराम आराम से जाएंगे दोस्तों, इसके ऊपर हमला कर देंगे। उधर उधर एक और बिल्ली बैठी है,
ये बकरियां यहाँ पे खड़ी है। चुप करो। ओ देख लिया यार, देख लिया अली इसने। ओ यार वही कैसे फूली हुई थी अली। ओ भाई ओ सिम्बा तो डरता भी नहीं है किसी भी चीज से। वहां से डक का मुंह नजर आ रहा है और बिल्ली भी उसके साथ। ये देखे भाई, डक्स को कुछ नहीं कहती है अली बिल्ली, डक से बिल्ली डरती है। चलो अली इनको ना अच्छे से आप घास खिलाओ। बकरियां दोस्तों इस तरफ घास खाएंगी, अली बकरियों को भी इस तरफ ले चलो ना, निकालो इनको बाहर, गंद के अंदर घुस गई है। सारों को इस तरफ दोस्तों घास खिला लें। उसके बाद दोस्तों मैं जाता हूँ आज फार्म पर, वहां से ना एक असील मुर्गे की यार कुछ करता हूँ। हमारी मुर्गी ना अंडे नहीं दे रही। फटाफट से अली सारों को इधर छोड़ दो, घास भी खिलाओ ठीक है। हाँ ये वाला घास खाओ ना, यहाँ पर खड़ी हुई थी तुम, ये वाला घास खाओ। देखो कैसे सर सब्ज घास है माशाल्लाह। खाओ भाई खाओ, शाबाश। यार दोस्तों ये ना घर में बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, तो हम इनको बाहर छोड़ देते हैं। कभी ये उस तरफ जाती हैं हमारे घर वाली साइड, वहाँ पर हम बाहर पानी रख देते हैं, कभी पानी पीती हैं, फिर आ जाती हैं यहाँ पर घास खाने। हमारे घर की यार पक्की हो गई है, कहीं भी नहीं जाती अली, रोड की तरफ तो निकलती नहीं है ना, सिर्फ यहाँ तक आई घास खाई और वापस गई पानी पी। सिम्बा का है यार, इसकी मदर को ले आए, वो खुद आ जाएगा, उसको पता है इस तरफ का। हाँ, वो मैं कल ले आया। ओ नहीं यार, आज दोस्तों सारी रेत हम ऊपर पहुँचा रहे हैं, क्योंकि यार आज ईंटे आपने देखा छत पर खत्म हो गई है, तो हमने सोचा यार सारी पहले रेत छत पर पहुँचा दे, थोड़ी देर के बाद दोस्तों ईंटे भी आ जाएंगी, फिर यार ईंटे भी पहुँचानी पड़ेंगी। बड़ी मेहनत का काम है ये, देखें यार बहुत ज़्यादा बंदा थक जाता है, लेकिन क्या करें यार, सेटअप तो तैयार करना है, इसलिए हम लगे हुए हैं सुबह से। आधी से ज़्यादा दोस्तों हमने रेत उठा ली है, अभी थोड़ी सी रहती है ये उठा लेंगे, उसके बाद ईंटे आ जाएंगी, ईंटे भी आज उठानी पड़ेंगी। फिर दोस्तों हम यार भाई के पास जाएंगे, उसके पास से मुर्गा भी लेकर आना है अली, कोई ना कोई आज मुर्गा लाजमी लेकर आना है, चाहे जैसा मर्जी हो। उसके बाद जुमे वाले दिन हम अली अच्छा सा मुर्गा लेकर आएंगे। फटाफट से काम करो ठीक है। चलो चलो शाबाश शाबाश। बाकी दोस्तों हमारी डक्स अब यहाँ पर बैठी थी, घास लगता है खा कर आ गई थी, अब पता नहीं। ओ दे वो देखे वापिस जा रही है उस तरफ घास खाने के लिए। चलो जाओ शाबाश। ओ दे उधर बैठ गई है, पता नहीं राजू कहाँ पे गया, लेकिन रैबिट अभी ना वाइट वाले बेचारे को बहुत ज़्यादा मारी जा रहे थे, वो अभी अभी रुके हैं। मैंने जैसे ही देखा मैंने देख लिया, पता नहीं क्यों लड़ रहे थे। इसको मैं देखता हूँ कुछ हुआ तो नहीं है। ठीक है यार कुछ नहीं हुआ। वो देखो ये देखो अभी उसके पीछे भाग रहा था। मैं एक काम करता हूँ, मैं इनके लिए ना थोड़ी डाइट लेके आया हूँ, ये इनको डाल, ये ईगल की डाइट पहले उसे डाल देता हूँ। कलेजी लेके आया हूँ, मैंने कहा थोड़ा पानी डाल दे तो गीली हो जाएगी, फिर सही से खा लेगा। चलो ईगल ये लो डाइट खा लो, ये लो खाओ खाओ। ओए होए 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 होए, मुर्गी आ रही थी, खाओ खाओ। ओए होए होए माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए ओ यार मुर्गियां खा लेती हैं इसकी डाइट, अभी जो इसके मुंह पे लगी हुई है ना ये भी अभी आएंगी खा लेंगी। अपना ध्यान रखना ईगल, बाय बाय। अब मैं ये रैबिट को भी जल्दी से कुछ डाल देता हूँ, ये बेचारे भी भूखे रहे होंगे, इनके लिए मैं ये भी फौरन ले के आ गए हूँ, ये मैं डाल देता हूँ इनको। यार अब लकड़ियाँ भी इतनी हैं, बंदा परेशान भी बहुत होता है, बस जल्दी से हो जाए आपने। ऊपर दोस्तों काम भी बहुत ज़्यादा हो गया है माशाल्लाह। यार ये तो आ ही नहीं रहा, मैं इसे कैसे बताऊं कि वहाँ पे मैंने तुम्हारा दूध जा रहा है। भाई दोस्तों मैं फिर से फार्म के अंदर आया हुआ हूँ, क्योंकि हमने लैला को तो बेच दिया था, लेकिन यार उसके अंडे रह गए थे, तो हमने सोचा यार वो भी किसी मुर्गी के नीचे रख देते हैं। इन भाई के पास मुर्गियाँ तो बहुत सारी हैं, तो अली ऐसा करते हैं दो, कितने अंडे हैं हमारे पास, पांच अंडे ना किसी मुर्गी के नीचे रख देते हैं। अल्लाह करेगा यार लैला के बच्चे निकल आएंगे, फिर उनको ना कि उन जैसे लैला जैसे और आ जाएंगे ठीक है। चलो यार किसी मुर्गी के नीचे रखते हैं। इस मुर्गी के नीचे दोस्तों हमने ना लैला के पांच अंडे रख दिए, हमारे पास दोस्तों सिर्फ पांच अंडे थे। यार अच्छे से इनको बैठ करना प्यारी मुर्गी। बाकी दोस्तों इस तरफ और भी मुर्गियाँ बैठी हैं अंडों के ऊपर, एक मुर्गी यहाँ पर बैठी है, एक मुर्गी दोस्तों यहाँ पर बैठी है। ओए होए क्या हो गया तुम्हें, चोर बहुत ज़्यादा डर रही है ये मुर्गी मुझसे। ओए होए
भाई बहुत ज्यादा डरती है। ये देख अली, देखते कैसी आवाज निकालती है, वो कैसी आवाज निकाल रही है। हमारी मुर्गी ऐसी आवाज निकालेगी ना, इसका मतलब है वो कुड़क हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई चलो, अच्छे से इनक्यूबेट करो अंडों को। शाबाश भाई, सारों के सारों को गुड लक, अच्छे से इनक्यूबेट करो और बच्चे निकालो। कैसे अली, गर्मी है ना, गर्मी की वजह से मर गए होंगे बेचारे। दोस्तों यार, ये चूजे मरने वाला भी यार बहुत बुरा सीन है, बहुत ज्यादा ना। सील चूजे इतने महंगे होते हैं और मर गए हैं यार पूरे 3 चूजे। बाकी दोस्तों ये तो हमारा आज का व्लॉग, आई होप कि आज का व्लॉग आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। यार लैला तो बेचारी चली गई थी, उसके अंडे हमने मुर्गी के नीचे रख दिए हैं, चार शायद बच्चे निकल आए और लैला जैसे तो रख तो दिए। दोस्तों आप देखते हैं क्या होता है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।